को समझना है तो संघ के समझने के लिए मैं बहुत बार कहता हूं संघ को संघ की निगाह से समझना। संघ को समझने को लेकर बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। मैं संघ का संपर्क प्रमुख था, फिर बाद में प्रचार प्रमुख था, तो लगभग पिछले 10 वर्ष मुझे समाज के प्रबुद्ध लोगों से और समाज में एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा। पहली बार जब कोई भी मिलता है तो बहुत प्रश्नों के साथ मिलता है, दूसरी बार जब मिलता है तो वो प्रश्नों के साथ कुछ कुछ उसकी संघ के प्रति ये आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, ये सब होना शुरू हो जाता है। तीसरी बार में जिज्ञासा शुरू हो जाती है, संघ इसके लिए क्या कर रहा है, संघ इसके लिए क्या कर रहा है। और मेरा अनुभव यह है कि चौथी पाँचवीं बार में वो हमसे कहते हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि क्या करना है, उनने कहा आपकी परसेप्शन और रियलिटी इसमें 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये जो परसेप्शन और रियलिटी का 180 डिग्री का डिफरेंस है, इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम तो 70-80-90 साल से कर ही रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि और हम क्या करें। हम जो कर सकते हैं वो तो हम सब कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे दरवाजे बंद थे, अब तो दरवाजे खटखटा रहे थे, आप दरवाजे खोल ही नहीं रहे थे। हम मीडिया के पास जाते थे, हमारी न्यूज़ नहीं छपती थी। हम आपसे मिलने जाते थे तो रतन जी ने बताया कि राम माधव जी से मिलने के बाद क्या न्यूज़ छपी। हम दरवाज़ा खटखटाते थे, आप मिलने का समय दीजिए, आप हमको समय नहीं दे। ये सब हम को तो जो करना है वो हमने किया है। और संघ को समझने के लिए संघ को संघ के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। और वास्तव में संघ के साथ एक और भी हुआ कि जैसे जैसे संघ की एक कंटिन्यूटी है जो मैंने आपको बताया, वैसे ही हमारे विरुद्ध एक इकोसिस्टम की भी कंटिन्यूटी है। वो जो इकोसिस्टम की कंटिन्यूटी है वो भी कभी भंग नहीं हुई। हाँ ये ठीक है कि उनकी जमीन पर ताकत कम थी, जहां उनकी ताकत थी वहां उसका प्रभाव रहा। धीरे धीरे करके जमीन पर हम कहाँ काम करते हैं हमें कहीं विरोध नहीं मिलता। सारे देश के अंदर राम माधव जी ने जैसा बताया कि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अपनी ताकत इतनी है, हम चाहें तो एक 5-6, 5-5.5 लाख गांवों तक एक 15-20 दिन में पहुंच जाते हैं। देश की 50% पॉपुलेशन तक रीच करना ये अपने एक सहज रेंज में आज हो गया है। जमीन के ऊपर हम जाते हैं तो हमको संघ को लेकर कुछ प्रश्न नहीं आते, सब जो हम सुनते हैं सारे उसमें से। लेकिन एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये सब बातें आती हैं। और अभी व्यक्तिगत बातचीत में वो भी कम हो गई हैं, अभी मीडिया में, अब मैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अभी एक मीडिया में एक कमिटेड है, जितने हम कमिटेड हैं उतने वो भी कमिटेड हैं कि जो हमारी परसेप्शन बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते। और उसके कारण भी है, मैं वो सब अप्रमाणिक है ऐसा नहीं कहूँगा, उन तक शायद हमारी पहुँच कम हुई होगी। हम यही मानते हैं कि जो लोग हमारे बारे में ठीक नहीं लिख पा रहे उसका कारण वो नहीं है, इसका कारण यह है कि शायद हम उन तक आज तक पहुँच नहीं सके। इटालियन फासिज्म, हिंदू तालिबान, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कभी हम लोग सुनते हैं, जिन शब्दों के बारे में वास्तव में वो जो मैंने कहा कि इकोसिस्टम की एक कंटिन्यूटी है। संघ के ऊपर मैंने एक बार देख रहा था कि पहली रिसर्च बुक कौन सी आई, ऐसे हमने थोड़ा तलाशना शुरू किया तो मेरे को ध्यान में आया 1950 में एक जीन ए करन जूनियर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुस्तक लिखी द RSS मिलिटेंट हिंदुइज्म और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस फॉर ईस्टर्न सर्वे करके उन्होंने ये किताब छापी। ये मुझे पहली संघ के ऊपर एक रिसर्च बुक ये मिली। अभी संघ कितना बड़ा था 1950 के अंदर, संघ की तो प्रतिबंध के बाद ताकत भी नहीं थी, अभी तो हम अपने को संभाल ही रहे थे, हमारे पे रिसर्च शुरू हो गए। और उन्होंने 1951 में फिर पुस्तक लिखी, उसका प्रकाशन हुआ फिर दोबारा से, वो पुस्तक के रूप में आई, वो तो रिसर्च था। और वो पुस्तक था मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स ए स्टडी ऑफ RSS। अभी जनसंघ भी शुरू नहीं हुआ था, अभी राजनीति तक तो हमारा कोई संबंध नहीं था। और सरदार पटेल उस समय संघ को कह रहे थे कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर
देश के निर्माण में काम करिए, उस कालखंड में हमारे बारे में एक रिसर्च के आधार के ऊपर एक पुस्तक छपी, मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, और क्रिस्टोफर जेफरलेट जैसे लोगों की तो अपार कृपा हमारे पर रही। और ये जो सब लेखन है, ये सब टर्म जो आज हम कॉइन किए हुए शब्द सुनते हैं, इटालियन फासिज्म, ये जो आज हम सुनते हैं कि वो रेशियल प्योरिटी कंसेप्ट ऑफ हिटलर जिसको संघ, ये सब उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये वहाँ से शुरू हुई। कॉन्टिन्यूटी हमारी भी थी, हमारी ज़मीन पर थी, उनकी कंटिन्यूटी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में थी, जिसके कारण से ये स्थिति बनी है। मुझे लगता है इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्व ये है कि जो लोग संघ को प्रमाणिक होकर संघ की निगाह से समझना चाहते हैं, उनके लिए रतन जी ने एकेडमिक बेस के ऊपर उन्होंने उसका एक रिसर्च किया, विद रेफरेंसेस किया, और उसको एक पुस्तक के रूप में सबके सामने लाकर एक अच्छा और दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है, जो संघ को संघ की निगाह से समझना चाहते हैं। संघ में ऑफिशियली कहना तीन ही चीज़ों को रहता है, तो हमारे सरसंघ चालक सर कार्यवाह समय समय पर स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात कहते हैं, वो हमारे लिए होता है, और तीसरा अपने संघ के रेजोल्यूशंस। तो ये तीनों जो है ये उसके आधार के ऊपर ये पुस्तक है, और केवल रेजोल्यूशंस नहीं है, रेजोल्यूशंस के साथ हमने उसके बाद जो किया उसको भी उन्होंने उसमें अंदर समेटने की कोशिश की है, और विशेषकर तीन विषयों पर। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पुस्तक जो है ये ऐसे सब लोग जो वास्तव में ऑब्जेक्टिव संघ को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक है।